हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मानी इन्वेस्ट टॉक। दिस इज आलमगीर। और आप लोगों को पता है कि मानी इन्वेस्ट टॉक इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं काफ़ी सारा वीडियो बनाता हूँ, जो कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड, मतलब डेटा एनालिसिस, स्टॉक मार्केट डेटा, बेसिकली पाइथन बोलिए, गूगल शीट बोलिए, एक्सेल बोलिए, तो आप लोग यहाँ जाके देख सकते हो। काफ़ी सारा मैंने वीडियो बनाया, तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को देखिए, सीखिए और मुझे बताइए कि अगर आपको कुछ अलग टाइप का वीडियो चाहिए तो ठीक है। कैंडल के ऊपर भी काफ़ी सारा वीडियो है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला हो वो है एक डेटा एनालिसिस। आपको याद होगा कि मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वॉल्यूम के ऊपर बनाया था, तो वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली उसके लिए वॉल्यूम डेटा को देखने के लिए मैंने एक आसान तरीके से स्क्रीनर बनाया, जो कि आप लोग हर कोई देख सकते, ये सबके लिए फ्री है, ओपन है, हर कोई इसको खोल के देख सकते। कहाँ से मिलेगा मैं वो भी बता दूंगा, कहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये मैंने ऐसे तो अपने लिए बनाया, लेकिन मैंने सबको इसीलिए ओपन रखा कि आप लोगों को भी ये मदद हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने शायद पिछला एक वीडियो बनाया था किस तरह आप निफ्टी जो 200 स्टॉक्स है इसको आप देखेंगे, तो इसका मैंने नाम ही दिया निफ्टी 200, क्योंकि इसमें मैंने 200 डेटा को देख रहा हूँ, 200 कंपनी, जो टॉप 200 कंपनी को देख रहा हूँ। आपको दिख रहा है रिलायंस, TCS से शुरू करके अगर मैं नीचे आऊँ तो इसमें 200 से भी ज़्यादा स्टॉक है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें मैं और ज़्यादा ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आप 300-400 तक या 500 तक डेटा देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट के बताइए, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। देखिए, तो बेसिकली इसमें जो 208 कंपनी है इसका अलग अलग डेटा इसमें दिख रहा है, तो किस तरह इसको रीड करेंगे। पहला देखते हैं बी कॉलम। बी कॉलम में जो LTP मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 7th January है, तो मतलब आज सैटरडे है, लेकिन जो पिछला दिन फ्राइडे था तो उसमें किस दाम में ये क्लोज हुआ था ये दिखा रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप मंडे इसको देखेंगे खोल के तो ये लाइव मार्केट में जो दाम चलेगा ना उसी को ये दिखाएगा, थोड़ी लैग होगा, मतलब डिले होगा, क्योंकि NSE से डेटा यहाँ तक आने में कुछ एक आध मिनट टाइम लगता है, लेकिन स्टिल आपको एक रफली लाइव डेटा दिखाएगा। और ये जो सी कॉलम है इसमें परसेंटेज चेंज दिखा रहा है, मतलब फ्राइडे को मार्केट नीचे गया है या ऊपर गया। अगर वो नीचे जाता है तो रेड हो दिख रहा है आपको, नेगेटिव जो 2.9% TCS गया, तो ये रेड है क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इसमें सारा फॉर्मूला लगा हुआ है, ये अपने आप होता है। अगर कोई पॉजिटिव है तो इसको ग्रीन दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे देखने में पता चल जाएगा कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो 200 स्टॉक को अगर देखना है तो आप ऐसे स्क्रॉल कीजिए तो आपको दिख जाएगा। और ये जो डी कॉलम इसमें चेंज, मतलब सी कॉलम में कितना परसेंट चेंज हुआ और डी कॉलम में जो पैसा का अमाउंट में 20 रुपया, 30 रुपया, 100 रुपया कितना चेंज हुआ वो दिखा रहा है। 23 मतलब 23 रुपीज ऊपर गया ग्रीन, ये 30 ऑन माइनस मतलब 30 ऑन रुपीज नीचे गया, और परसेंटेज देखे तो 1.7% नीचे गया, इस तरह इसको देखा जाता है। तो ऐसा सारा कंपनी का पैसा ही है। इसमें और एक चीज है, अगर कोई 3% से ज्यादा डाउन हो जाता है तो उसको इस तरह रेड कलर में हाईलाइट कर देगा। सेम वे में अगर कोई 3% से ज्यादा ऊपर चला जाता है, मतलब पॉजिटिव है, तो उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर देगा, ये अपने आप होगा, तो आपको ऐसा ही दिख जाएगा, मतलब कंपनी या स्टॉक अपने आप बोलेगा कि मुझे देखो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज। दूसरा चीज ये है कि ये जो पोजिशन है ना, बुल एंड बेयर, ये मैंने किस लिए लिखा, तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कौन सा कंपनी बुलिश पोजिशन में है, मतलब बुलिश फेज में है, कौन सा कंपनी बेयरिश फेज में है। तो बुलिश बेयरिश का अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, लेकिन मेरे लिए बुलिश वही है जो 200 डे मूविंग एवरेज का ऊपर है, बेयरिश वही है जो 200 डे मूविंग एवरेज का नीचे है। तो 200 डे मूविंग एवरेज हम F कॉलम में कैलकुलेट करो, या आपको दिख रहा है कि 200, तो ये 200 डे मूविंग एवरेज है। अगर मैं इसको देखूं, मान लीजिए रिलायंस, इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज चल रहा है 2563, लेकिन जो प्राइस है वो 2537, मतलब नीचे है, तो इसलिए ये बेयर है। जो बुल है उसको देख लीजिए, ये 1460 चल रहा है, ये 1594 चल रहा है, HDFC बैंक तो बुलिश है क्योंकि इसका जो प्राइस ये 200 डे से ऊपर है, इसलिए बुल। तो ये इतना डेटा हो गया, ठीक है। अभी मान लीजिए 200 दिन के जगह मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 डेज देखना है, तो क्या करूंगा मैं, या मैं बस 100 लिख दूंगा, 100 लिख के एंटर कर दूंगा। देखिए 100 लिख के मैंने एंटर किया, अभी ये स्क्रीनर क्या करेगा, सारा कंपनी मतलब 200 स्टॉक्स का ये डेटा डाउनलोड कर रहा है। अभी देख रही है लोडिंग चल रहा है, मतलब ये पिछला 100 दिन का डेटा को डाउनलोड कर रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है, एवरेज कर रहा है, और कुछ ही टाइम में ये अपने सामने रख देगा कि भाई ये तुम्हारा डेटा रहा। देखिए आ गया ना डेटा 100 डे मूविंग एवरेज। अभी हम लोग सबका 100 डे के हिसाब से देख रहा हूँ कौन 100 डे का ऊपर है नीचे है। इसको मैं चाहता हूँ कि चलिए
50 डेज, तो ये इतना कस्टमाइजेबल है, आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप खुद नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग मेरा पेड ट्रेनिंग कोर्स में ज्वाइन करते उनको मैं ये डेटा शीट फ्री में दे देता हूँ, तो वो कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट है आप नीचे दिया हुआ व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी भी लिंक के जरिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, आप कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये आपको मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है, आप इसको मेरे से बाय कर सकते हो। मैं किसी को फ्री में नहीं देता हूँ इसलिए क्योंकि इसका पीछे मेहनत है, ठीक है। मैं बाकी के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ दोस्तों, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आपको तो ऐसा ही फ्री में मैं देखने के लिए दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, 200 दिन काफी है। अब मैं खुद भी काफी ये चेंज करके देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये ऑप्शन रखा अगर किसी को जरूरत है तो। अभी मैं इसको दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये अभी हो जाएगा, ठीक है, वो तो होते रहेगा। लेकिन देख लीजिए जी कॉलम में क्या ना ये लोड हो रहा है, जी कॉलम में क्या ना 52 वीक हाई आपको डेटा दिखा रहा है, एच कॉलम में 52 वीक लो आपको दिखा रहा है, तो 52 वीक हाई एंड लो ये डेटा अवेलेबल है। काफी जो इम्पोर्टेंट एडिशन है ये तो पिछला जो स्क्रीन था उसमें भी मेरा था, लेकिन मैंने अभी एक चीज इम्पोर्टेंट ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको अगर याद होगा ये वीडियो अगर आप नहीं देखे हो ना दोस्तों, जो वॉल्यूम कैसे रीड किया जाता है आप इसको देख लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वॉल्यूम के बारे में एकदम ए टू जेड मैंने एक्सप्लेन किया, तो वॉल्यूम एनालिसिस मैंने सिखाया, तो मैंने सोचा कि दोस्तों ऐसा कुछ करते कि वॉल्यूम भी आप लोग अभी देखना सीख गए तो वॉल्यूम डेटा को भी रीड करना सीखिए, कहाँ से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें तीन कॉलम बना दिया, जो जे कॉलम है इसमें डेली वॉल्यूम, मतलब हर कंपनी का डेली क्या क्या वॉल्यूम आ रहा है ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि जो फ्राइडे को रिलायंस का जो वॉल्यूम आया 2.9 मिलियन, मिलियन मतलब क्या है, 10 लाख में एक मिलियन होता है, 2.9 मिलियन मतलब क्या, 29 लाख, 4.5 मिलियन मतलब कि 45 लाख, 14.8 मिलियन मतलब कि 148 लाख, ठीक है, मतलब 1 करोड़ 48 लाख। तो इस तरह आप देख सकते हो ये डेली है, डेली का डेली। लेकिन इसका ब्यूटी क्या है दोस्तों, मान लीजिए मंडे, नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे आप ये मार्केट को देख रहे हो, आप दोपहर 12 बजे देख रहे हो, लेकिन दोपहर 12 बजे उस दिन मंडे का दोपहर 12 बजे तक जितना वॉल्यूम आया ये आपको लाइव मार्केट के साथ दिखाएगा। ऐसा नहीं कि डे एंड में दिखाएगा या पिछला दिन का ही दिखाएगा, ये लाइव मार्केट के साथ डेटा अपडेट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डेटा थोड़ी डिले में आता है, मतलब 2-4 मिनट 5 मिनट डिले में आपको दिखाएगा, क्योंकि एनएससी का वेबसाइट से ये डेटा यहाँ पे फेच होने में टाइम लगता है, ठीक है दोस्तों। और मैं ये डेटा को पुल कर रहा हूँ गूगल से, तो ये ऑब्वियस बात है इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते अगर आप पेड कोई कस्टमाइज सर्विस नहीं ले रहे हो, फ्री है सब कुछ, तो इसलिए ये डिले होगा। स्टिल इट्स गुड इनफ फॉर योर ट्रेडिंग हेल्प, ठीक है। कौन सी स्टॉक में वॉल्यूम फ्लो हो रहा है, दोपहर 12 बजे तक किसी में मान लीजिए 2 गुना वॉल्यूम आएगा, मतलब उस स्टॉक को मैं देखने लगूंगा, इसलिए ये बनाया गया, ठीक है। ये हो गया डेली वॉल्यूम। अभी देखिए ये जो हाई कॉलम है ना ये होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है वॉल्यूम 50, मतलब इसमें क्या कर रहा है, हर कंपनी का पिछला 50 दिन का वॉल्यूम को वो ऐड कर रहा है, ऐड करके 50 से डिवाइड कर रहा है, मतलब एवरेज निकाल रहे है। एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे खुद भी पता नहीं है, बांग्ला में गौड़ कहते हैं, ठीक है, मैं बंगाली हूँ दोस्तों, तो ठीक है। ये होता है एवरेज, मतलब 50 डे का एवरेज, 50 डे वॉल्यूम का एवरेज। तो अभी मुझे एवरेज पता चल गया, मान लीजिए 50 डे, मैं पर्सनली 50 लगाता हूँ, कभी कभी 20 ऑन लगाता हूँ। अब मैं 50 को 20 ऑन करना चाहता हूँ, तो मैं बस यहाँ पे इनपुट कर दूंगा 20 ऑन। अभी देखिए ये लोड करेगा, लोड करके इसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें मुझे 20 ऑन डेज का जो वॉल्यूम एवरेज वो दे देंगे, ठीक है। तो ये तो होते रहेगा, थोड़ी टाइम ले ही रहा है, आपको दिख ही रहा है कितना टाइम लेता है, तो मोबाइल में तो और थोड़ी टाइम लेगा, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखना है, अच्छा कुछ देखने के लिए थोड़ी टाइम भी देना पड़ेगा। देखिए लोड हो रहा है, ले लेगा। अभी के कॉलम के बारे में डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम एक्स ये क्या है दोस्तों। वॉल्यूम एक्स में अगर जाएंगे हम तो आपको दिख रहा है कि जे डिवाइडेड बाय आई, जे कौन है, डेली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय आई कौन है, ये जो एवरेज वॉल्यूम, मतलब डेली वॉल्यूम को मैंने एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एवरेज वॉल्यूम तो जो है अगर किसी दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग हुआ तो वो मुझे चाहिए कौन सी कंपनी में ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग हुआ। अब जिसमें ज्यादा वॉल्यूम में बाइंग होगा ना दोस्तों वही मैं देखूंगा। मैं अपना वीडियो को ऑफ कर देता हूँ, शायद आपको दिक्कत हो रहा होगा देखने में, तो देखिए दोस्तों मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया क्योंकि वीडियो का कोई जरूरत नहीं है, आप सुनते रहिए क्योंकि इसमें ढक जाएगा कुछ पोर्शन। तो एनीवे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरह ये वॉल्यूम एक्स बन रहा है, मतलब मैंने डेली वॉल्यूम को एवरेज से डिवाइड करूं तो किसी दिन अगर 2 गुना 4 गुना 5 गुना वॉल्यूम आ रहा है किसी कंपनी में तो इमीडिएटली यहाँ पे मुझे दिख जाएगा। देखिए ये 0.7 मतलब क्या, नॉर्मल वॉल्यूम से कम आया, ये 1.7 मतलब क्या,
इसमें ज्यादा आया। देखिए 1.4 मिलियन नॉर्मल आया था, 2.4 मिलियन आया, तो इस तरह आ रहा है। तो इसमें अभी इसमें आउटलायर कौन है, मतलब किस में बहुत ज्यादा आया, वो मैं कलर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि बुल एंड बेयर, देखिए इसमें कलर में हाईलाइट है, मैंने दिखा जो ज्यादा गिर रहा है उसको हाईलाइट, तो इसमें भी ज्यादा जिसमें आ रहा है उसमें मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ऐसा ही मुझे एक मिल गया। देखिए अब किस तरह ट्रेड को सिलेक्ट करते, इसमें मैं देख रहा हूँ वॉल्यूम एक्स 3.3, मतलब इसमें क्या तीन गुना से भी ज्यादा वॉल्यूम आया। कब, मतलब 6 तारीख को, मैं 7 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 मतलब फ्राइडे को तीन गुना से ज्यादा वॉल्यूम आया, 4.2 मिलियन आया। तो इसका मैं एवरेज देख लेता हूँ, अभी 20 ऑन एवरेज है, ठीक है दोस्तों। तो 21 नहीं, मैं 50 के साथ देखता हूँ, मैंने भूल गया उसको अपडेट करने, तो अभी अपडेट होगा। एनीवे इसमें आप देखते रहिए, तो इसमें ज्यादा आया। अब नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 1.3 मिलियन आते, वहां पे 4.2 मिलियन आया। अभी ये तो हो गया वॉल्यूम का बार, वॉल्यूम ज्यादा आया, अब वॉल्यूम के साथ प्राइस भी ज्यादा आया या प्राइस कम आया, ये हमें देखना है। क्योंकि देखिए इसको थोड़ी लोड होने देते, लोड होने के बाद हम लोग इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3.1 टाइम्स वॉल्यूम आया, मतलब इतना गुना वॉल्यूम आया। डेली वॉल्यूम क्या आया 4.2 मिलियन और एवरेज वॉल्यूम आपको दिख रहा है 1.3 मिलियन नॉर्मली आता है, ठीक है, मतलब 13 लाख वॉल्यूम नॉर्मली आता है, अचानक 42 लाख आ गया, तो तीन गुना वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम तो ज्यादा आया, अब ये बायर्स वॉल्यूम ना सेलर्स वॉल्यूम, दोस्तों बायर्स वॉल्यूम एंड सेलर्स वॉल्यूम अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आई बटन में आपको जो वीडियो का लिंक दिख रहा है वो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ जो वॉल्यूम का वीडियो मैंने अभी अभी दिखाया वो वाला वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह आप जज करेंगे कि बायर्स वॉल्यूम या सेलर्स वॉल्यूम। तो जज करने का तरीका है कि प्राइस नीचे गया या ऊपर गया, मुझे दिख रहा है 2.4% प्राइस डाउन हुआ, 16 रुपीज डाउन हुआ, और ये 200 डे मूविंग एवरेज का नीचे है, तो वाला इसमें वॉल्यूम आया लेकिन सेलर्स वॉल्यूम, सो आई डोंट केयर, मुझे इस पे टाइम बिताना नहीं है तो मैं इसको नहीं देखूंगा, फिर मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा। मुझे और एक दिख रहा है कोई 4.6 टाइम्स वॉल्यूम आया, 100 मिलियन वॉल्यूम, मतलब 1 करोड़ के आसपास, 21.9 मतलब 22 मिलियन वॉल्यूम नॉर्मली आता है, ठीक है। ये कौन है दोस्तों, ये IDBI बैंक, ये ग्रीन है, देखिए प्राइस भी ऊपर गया, मतलब 7.6% प्राइस ऊपर गया, 4.20 रुपया ऊपर गया, और यहाँ पे बुल है, मतलब 200 मूविंग एवरेज का ऊपर है। तो दोस्तों आप अगर ये मंडे दिख रहा है, आप 2-4 दिन या 10 दिन का बीच में देख रहे हो, तो इसको आप अपना वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, इसको देखिए, इसका चार्ट खोल के, फिर इसका चार्ट खोल के देखिए ये आपका प्राइस रेंज के अंदर है क्या, बुल बेयर जो भी है, कैंडल पैटर्न जो भी बन रहा है, आपका जो स्ट्रेटेजी है मैच कर रहा है क्या, तो बाय सेल के लिए आप सोच सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह जो आउटलायर है उसको इस तरह देखिए, ग्रीन व्हाइट ग्रीन इस तरह ये हाईलाइट कर देते हैं, नंबर आपको दिखा रहा है, और इसी तरह नीचे आएंगे तो हमें और भी दिख जाएगा, जिसको जो हाईलाइटेड नहीं है उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ये क्यों बनाया, क्योंकि मान लीजिए 200-400 स्टॉक को जब मैं स्कैन करूंगा सबको खोल खोल के थोड़ी ना देखेंगे, इतना टाइम किसके पास है, मेरे पास तो नहीं है, आपके पास हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा 2-4 कंपनी जिसमें जो आउटलायर होगा ना वो हमें दिख जाएगा। आप अगर दिन का एंड में भी देखेंगे तो दिख जाएगा, जो इंट्राडे नहीं करते तो उसके लिए भी सही है, बहुत बढ़िया नेक्स्ट डे ट्रेड सिलेक्शन के लिए, ठीक है, या बाय सेल। इसमें देखिए 4.6 टाइम्स आया, कौन है, सुंदरम फर्स्ट, लेकिन इसका प्राइस डाउन है, बुल तो है ठीक है लेकिन प्राइस डाउन है, मतलब कुड बी सेलर्स वॉल्यूम, स्टिल आप देख सकते हो जब बुलिश फेज में है, बड़ा वॉल्यूम तो आया लेकिन मार्केट ओवरऑल डाउन था, ज्यादा प्राइस नहीं गिरा। उसके बाद देखिए 9 टाइम्स वॉल्यूम आया गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप नंबर देख लीजिए, बेयर फेज में है, भला ही वो 200 दिन का नीचे है लेकिन प्राइस ऊपर गया, तो हो सकता है तो आप इसको खोल के देख लीजिए, सिलेक्शन कराना जरूरी है लेकिन देख सकते हो, 200 दिन का मूविंग एवरेज का नीचे भी कभी कभी वो बुलिश फेज में जाने के लिए तैयार होता है। इसमें देखिए और किसी को देख रहा है AIA इंजीनियरिंग जो डाउन है, तो इसको मैं नहीं देखूंगा, नॉर्मली बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी नहीं है, तो इस तरह देख सकते। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 208 स्टॉक, मतलब ऊपर का चार छोड़ दो तो 204 स्टॉक्स है। अगर आपको और एक 200 चाहिए, 500 चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, नीचे मैं ऐड कर दूंगा। इसके साथ साथ आप इसको यूज करते रहिए, कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके साथ साथ PE मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट कैप दिख रहा है, तो ये जो कॉलम है इसमें मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, RSI चाहिए, RS चाहिए, जो भी चाहिए आप बता सकते हो, मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। थोड़ी टाइम लगे, ऐसा नहीं मैं इमीडिएट अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसमें हैवी हो जाए तो और स्लो चलेगा ये, ठीक है दोस्तों। नीचे ज्यादा स्टॉक चाहिए तो भी आप कह सकते हो, 200 से ज्यादा अगर चाहिए, 300-400, तो मुझे कमेंट करके बताइए या टेलीग्राम में व्हाट्सएप में बताइए, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी क्वेश्चन है कि ये लिंक आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों। अब किसी भी वीडियो मेरा चैनल में जाइए, चैनल में जाने के बाद कोई भी वीडियो को ओपन कीजिए। जब आप किसी भी वीडियो को देखना चालू करते हो, ओपन करते, ऐसा देखना जरूरी नहीं है लिंक मिलने के लिए, जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में चला जाए। डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं आपको हर किसी को पता है। देखिए दोस्तों ये जो शो मोर, इसमें जाइए,
डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद थोड़ी नीचे चला जाइए, यह पे हमारा वेबसाइट, ईमेल, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, हर चीज मोबाइल नंबर से लेकर हर चीज दिया हुआ। मेरा मोबाइल में नहीं आएगा दोस्तों, मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन आप व्हाट्सअप में कॉल कर सकते हो अगर जरूरत है। उसका नीचे देखिए जो माय लाइव स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन, पहले मैंने ये स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के साथ जो ए 200 डे ये साथ में था, अभी भी अगर मैं इसको खोलूँ, इस लिंक को आप खोल लीजिए, इस लिंक को अगर आप खोलेंगे तो ये लिंक खोलने के बाद यहाँ पे मेरा स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन भी आपको दिख जाएगा, ये भी दिख जाएगा, पहले ऐसा था। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी जो सोच रहा हूँ उसमें मैं क्या करूंगा, इसका मैंने अलग ही फाइल बना दिया जिसमें केवल निफ्टी 200 या 300 जो भी होगा वो रखेंगे, तो इसका नीचे मैं दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, आप वहां से देख लीजिए दोस्तों। वो लिंक ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखाई रहा हूँ, देखिए वो लिंक होने के बाद लाइव ट्रेडिंग पोजिशन इसमें कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसमें मिलने के लिए आपको जो करना पड़ेगा, ये अभी भी लोड हो रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ी टाइम लगता है क्योंकि काफी हैवी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन चलता है, इतना 200 मतलब एक तो देखिए ये क्या कर रहा है, इतना सारा डेटा डाउनलोड कर रहा है। इसमें देखिए ये जो पोर्टफोलियो है मेरा, तो मैं अभी क्या करूंगा, ये पोर्टफोलियो का अलग कर दूंगा और ये निफ्टी 200 का, दोनों का लिंक अलग अलग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्यों टाइम लगता है ये चीज आपको समझना है, क्योंकि देखिए कितना कुछ कैलकुलेट कर रहा है, 200 दिन मतलब 200 स्टॉक का जो डेटा ये डाउनलोड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज को ये एक्चुअली कैलकुलेट कर रहा है, फिर इसमें क्या 50 डेज वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहा है, इतना सारा चीज कैलकुलेशन, मार्केट कैप को डाउनलोड कर रहा है, बहुत सारा चीज कर रहा है ना, तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। तो टाइम लगना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको डेटा मिलना चाहिए, देखना चाहिए। मैं इन फ्यूचर सोचूंगा कि इसको कैसे फास्ट किया जाता है। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ जरूरत है, कोर्स लेना है, कुछ लेना है, कुछ क्वेश्चन है, कॉमेंट करके बताए, या हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।